राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं। हरियाणा के जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही निराशाजनक रहे। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था, मैं भी कुछ स्थानों में गया था और सब यही कहते थे कि बस कांग्रेस सरकार तो भाई बहुमत से जीतेगी। लेकिन बहुत जो सर्वे भी हुए थे, 5-6 एजेंसियों ने सर्वे किए, उन्होंने भी कांग्रेस को जो है 55 और 60 के बीच में सीटें दिखाई थी, लेकिन नतीजे उसके उल्ट हुए। तो लोकतंत्र में जो भी जनता का फैसला है वो शर्माते हैं। जो कमियाँ होगी हमारे कांग्रेस हाईकमांड उसमें विचार करेगी, विश्लेषण करेगी, क्या कमियाँ रही है, कहाँ कमी रही है। और हमें खुशी है कि जम्मू कश्मीर में तो 10 साल के बाद लोकतंत्र बहाल हो रहा है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है मिली जुली सरकार को जो है स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। और सरकार जो है श्री उमर अब्दुल्ला की रहनुमाई में जम्मू कश्मीर में बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में जो लोकतंत्र बहाल हुआ है उसके साथ ही वहाँ शांति के भी प्रयास होंगे और लोकतंत्र जो है पूरी तरह से मजबूत होगा। और जो पहली बार देश के अंदर हुआ है कि केंद्रीय शासित राज्यों को जो है वो तो स्टेट हुड पूरे राज्य का दर्जा दिया जाता था, यहाँ उल्टा हुआ, इतना बड़े स्टेट को जो उसको केंद्रीय शासित राज्य बना दिया केंद्र सरकार ने। धारा 317 काजी जो है उसका प्रचार हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत निराशा इन रिजल्ट में लगी है। हम सीटें उनको आई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में वो जो है पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की जो उनकी प्राथमिकता है उसको करेगी। उन लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के मुताबिक ये सरकार जो है इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार काम करेगी और जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।